पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने कर्मचारियों के बहालियों के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जो भी अभ्यर्थी 2018 में कर्मचारी बहाली के लिए फॉर्म भरे थे, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो आज के इस न्यूज़ को हम विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों की बहाली के लिए विश्वविद्यालय की जांच परीक्षा 31 को यानी 31 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। विस्तृत न्यूज इस प्रकार से है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षकेतर कर्मचारियों का विभिन्न पदों के लिए 31/12/2019 को जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,000 प्रवेश पत्र पूर्णिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.purniayunivarsity.ac.in पर अपलोड किया कर दिया गया है। कोई भी परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र, अपना नाम, आवेदित पद एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का एक लिंक उसके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की ओर से भेजा जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर सूचना देकर ली जा सकती है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जांच परीक्षा के समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पदों के लिए ली गई थी आवेदन। तो बहाली में कौन कौन से पद थे, स्टेनोग्राफर, यूडीसी, एलडीसी, टाइपिस्ट, उसके बाद एलडीसी, स्टोर कीपर एवं एलडीसी की परीक्षा प्रथम पाली में आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोग्रामर, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, PA2VC, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क अकाउंटेंट, हेड क्लर्क असिस्टेंट, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, लैब बॉय, लैब टेक्नीशियन, ऑडिटर, ऑडिटर ग्रेड फर्स्ट, UDC, अकाउंट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,000 अभ्यर्थियों को जारी किया प्रवेश पत्र। तो 15,000 अभ्यर्थियों का जो है प्रवेश पत्र जारी किया है। अब देखिए लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो 100 अंकों का होगा दो सेट। सभी उम्मीदवार को एक साथ दो परीक्षाएं देनी होगी। पहले एक को प्री टेस्ट PT फर्स्ट एवं पोस्ट टेस्ट PT 2, पोस्ट टेस्ट जो 100 अंकों का होगा और 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके लिए निर्धारित समय 90 मिनट होगा। प्री टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा और पोस्ट टेस्ट में, ये पोस्ट टेस्ट 2 में भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा और इसमें भी OMR शीट भरना होगा। आवेदित पद से संबंधित प्रश्नों के भी देने होंगे जवाब। प्री टेस्ट में समान ज्ञान, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, भाषा, कंप्यूटर इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। PT यानी पोस्ट टेस्ट 2 में जो है विशेष प्रश्न जो पोस्ट से संबंधित पूछे जाएंगे जैसे कि असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, ऑडिटर, ऑडिटर ग्रेड फर्स्ट के अभ्यर्थियों को बजट, अकाउंट एवं वित्तीय आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न निर्धारित न्यूनतम योग्यता के स्तर का होगा। PT फर्स्ट, PT 2 दोनों बुकलेट से संबंधित परीक्षा ली जाएगी। 12 केंद्रों पर होगी परीक्षा का आयोजन। यह जाँच परीक्षा पूर्णिया विश्वविद्यालय के क्षेत्रा अंतर्गत 12 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इनमें पूर्णिया शहर में 10 केंद्र, कटिहार में 2 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया महिला महाविद्यालय BMT लॉ कॉलेज, SNSY इंटर कॉलेज, SNY डिग्री कॉलेज रामबाग, ML आर्या कॉलेज कस्बा, DAV स्कूल, मानस भारती पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, स्वदेशी BEd कॉलेज मरंगा, DS कॉलेज कटिहार, KB झा कॉलेज कटिहार शामिल है। आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप वेबसाइट पर जाकर के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाए।
जल्द ही वह भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपना अपने मोबाइल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।